हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल भरत सोनी ऑफिशियल। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि हमारी जो स्टोरी है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जो भी, हम कैसे मिले और कैसे हम लोग अभी तक साथ में रह रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो कुछ बातें भरत जी बताएंगे, कुछ बातें मैं बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी हमें साथ में रहते हुए 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं या हो चुके हैं? हो चुके हैं, हाँ नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी भरत जी, पहला सवाल आपसे कि आपने मुझे पहली बार कब देखा था, और देखा था तो आपको कैसा लगा था, क्या आपके मन तुम्हारे में को देखा ख्याल था मैंने आते? 2013 में दिसंबर में, हाँ, हमारे भाई की वो थी बस बरसी, उसमें अरे दादी जी। हाँ दादी जी में भाई की बरसी। हाँ मम्मी है। उस टाइम बिल्कुल सूखी पकी सी थी, सलवार सूट में थी, बिल्कुल मड़कल सी, बिल्कुल ऐसी धक्के तो खाती मतलब हुई। मैं आपको अच्छी नहीं लगी थी, कहने का मतलब हाँ आपका ठीक ये ठाक है। थी, तो इनको ओके मैं ओके पसंद बोल नहीं थी, सकते है ना, हैं। पहली बात ये। तो इनका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है ना, हाँ करेक्ट? और जो अब मैं आपको हकीकत बताती हूँ, ये मुझे क्या कहते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई फॉरेनर आके बैठी है यहाँ पे, इतनी गोरी और खा जाओ मेरे सर की कसम, क्या आपने कभी नहीं अरे बोला अब खा जाओ। कभी जूती तो इन्होंने मेरे को ऐसा बोला था कि तुम्हारे घुंघराले घुंघराले बाल थे, शॉल ओढ़ के बैठी थी और मतलब ओहो अंग्रेज जैसी लग रही थी, मतलब इतनी गोरी थी तुम। तो तब हो हमारी बात नहीं हुई थी। तो उसके बाद में क्या, मेरे ससुर जी देवर और ये भरत जी आए थे। कोई ना तो तुम इतनी गोरी थी, ना तुम अंग्रेज जैसी दिखती थी, ठीक है ना? बात नहीं, फालतू हाँ कोई फालतू बात मियाँ नहीं, भूमिया कोई मिट्टू बात मत नहीं, ओके कोई बात नहीं। वो तो बनो अगर आपने अभी कसम नहीं खाई उसी से सारी बातें पता चल गई। और ये रजाई के अंदर जो धागे लगे ना, उनको बैठे बैठे तोड़ो मत, या फिर ब्लॉग चल रहा है तो उसमें ध्यान दो। तो जो ये बात है कि ये लोग पहली बार मेरे को देखने 2013 में आए थे, और मतलब मेरे घर पे नहीं मिले थे हम लोग, हमारे पुराने घर पे मिले थे सब। तो पापा बोलते पैर पैर छू पैर, मैं पूछती हूँ क्यों बताओ पहले, तो बोलते पहले पैर छू ले फिर बताऊंगा, ठीक है, फिर भी मेरे को बताया नहीं। फिर ये लोग घर पे आए, उसके बाद मैं घर पे ही बैठे रहे। मैंने कहा यार ये भैया ऐसा चुपचाप क्यों बैठा है, ऐसा क्यों बोलता ही नहीं है, बिल्कुल चुप रहता चुप रहता। तो मेरी फोटो लेके चले गए ये लोग, ठीक है। मैंने खुद ने निकाल के भी दे दी, मैंने कहा ठीक है ले जाओ, मेरे को कैमरे को थोड़ी पता था देखने आए। उसके बाद में तो दूसरी बार आप लोग आए थे, ऐसे देखने आए थे, तब भरत जी आए थे और पापा जी थे, मम्मी जी थे, ये 3 जने आए थे। तो पता है दूसरी बार आए तो ये तो मतलब मेरे को लगा ये मुझसे बात करेंगे, पूछेंगे कैसी हो, क्या करती हो। तो ये तो रात को आए थे, ठीक है। आप बताना चाहते हो कि मैं बताऊं? नहीं बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तो ये देखने आए, तो मैं इस उम्मीद में कि हमारी पहली बार बात होगी, पूछूंगी क्या करता है लड़का, क्या है क्या नहीं है। तो नाश्ता करके मम्मी ने बोला, मम्मी जी पापा जी को कि लो चलो ऊपर चलते हैं और आप लोगों को मैं घर दिखा देती हूँ। तो जैसे ही मम्मी पापा उठे, भरत जी उनके पीछे पीछे ऐसे दौड़ के गए जैसे मैं उनको खा जाऊंगी। उसके बाद में वो चले गए और हमारी बात ही नहीं हुई। और ये पापा के पीछे पीछे घूमे थे, मम्मी पापा के साथ में ही थे, ये अकेले नहीं रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लड़के को इंटरेस्ट नहीं होगा बात करने में, तो मैंने फिर इनको मैसेज किया। तो मैसेज पे भी ये बात बात नहीं करते थे मुझसे, इग्नोर करते थे। गुड मॉर्निंग करूंगी तो रात को गुड नाइट मैसेज आ जाता था, ऐसे मैसेज आता था, नंबर वगैरह तो शेयर हो ऐसे ही गए थे। मैसेज हाँ ऐसे ही मैसेज करता था टाइम पास के लिए, होते जैसे कि मैं इनको बोर कर रही हूँ। तो फिर अगली बार थर्ड टाइम मतलब जब ये लोग आ गए थे, 10-15 लोग आ गए थे, तब तक हमारी बात नहीं हुई थी और हमारे घर में सारा मतलब फिक्स हो गया था, शादी की सगाई इस लड़के से होगी। और मेरी कभी इनसे बात भी नहीं हुई थी उससे पहले कि हमारी सगाई के लिए फाइनलाइज भी कर दिया था। और वो क्या कहते हैं, पक्की पक्की करने के लिए आए थे, बात पक्की मतलब कुछ क्या झेलाने वेलाने आए थे, क्या बोलो ना अरे मुंडी ऐसे क्या करते, तो कुछ मेरे को बोलो। मालूम है कि क्या जलन आए थे, तुम जानते हो तुम्हारे यहाँ आए थे जलन के लिए। तो यार मेरे ऊपर पड़ रही है फालतू में, आप भगवान भी तो आए थे, फिर पाउडर लगा मैं नहीं के आया शेविंग था। वेविंग करके आपको बुलाया था, मोटरसाइकिल पे आए हाँ थे, तो तब मैं वो बाद में पहली आया बार था, आते उस थे। पहले जो तो भी वही होना था चीज हो गया क्या होगा, थी, मेरे को क्या पता क्या थी। हाँ हाँ तो भाड़ में पक्की जाओ। हुई होगी बात, वो ही वो होगा। बात पक्की करने आ गए थे। और तो मैंने बोला मैंने तो आज तक कभी लड़के से भी बात नहीं की, और मैं तो बिना बात किए कैसे क्या मतलब फाइनल कर दूँ। तो
तो मैंने कहा लड़के को बुलाओ तो फिर लड़का आया 17 साल की बाली उम्र को सलाम, तो लड़का आया बिल्कुल एकदम चकाचक, दाढ़ी गाया, मूछ गाया, मतलब इनको आती नहीं थी पहले बियर्ड, जैसा कि आप हमारी शादी की वीडियो में भी देख सकते हो। तो उसके 2 साल पहले तो इनको कितनी बियर्ड आती होगी तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। तब हमारी पहली बार बात हुई, और वो पहली बार जब बात हुई उसका एक्सपीरियंस भरत जी शेयर करेंगे आज आपके साथ। आराम से बैठे थे। हाँ, क्या बात हुई थी भरत जी जब मैंने आपने हम दोनों की पहली बार बात हुई थी तो? अबे क्या बात हुई थी मेरे को भी नहीं मालूम, कितना टाइम हो गया उस बात को, नहीं याद नहीं आ रहा है बाद में कभी सोच के बताऊंगा ये चीज तो जिंदगी में नहीं भूल सकते। मतलब इन्होंने एक तो पहली बार इनकी जिंदगी में किसी लड़की से बात करी थी, बात करने के बाद में इनको इतना पसीना हो गया कि जैसी बात खत्म हुई ये गेट खोल के ऐसे भागे, दूसरी बार वापस आंख नहीं मिलाई इन्होंने मुझसे। तो सबसे पहले है ना, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि लड़का लड़की देखने जाता है तो लड़का लड़की से पूछता है कि आप क्या करते हो, आपकी एज क्या है, आपकी क्या हॉबीज है, क्या है ये है। तो ऐसा सीन हमारे दोनों के बीच में नहीं था, हम दोनों के बीच में तो हम गए थोड़ा सा गेट टेढ़ा किया, उसके बाद मैं जाके बैठी, मैंने भरत जी को क्या करते हो फिर आइए तो भरत जी कहता मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में। अच्छा तो आपके आगे क्या विचार है, मींस आप क्या करना चाहते? तो मैं बिजनेस करूंगा। फिर मैंने पूछा अच्छा आपको शादी करने का कितने साल मूड नहीं है, तो आपने क्या कहा था? साल भर। साल में? मैंने कहा मेरा जवाब मैं गए एक साल में शादी करके क्या करना है, अभी तो 15 साल के और इतनी जल्दी शादी, मतलब अभी तक तो आपकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई और आपको इतनी जल्दी शादी करनी है। तो भरत जी कहते हैं हाँ ठीक है देख लेंगे, वो तो जैसे फैमिली वाले कहेंगे वैसे ही हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद में और क्या कॉमेडी बात हुई थी कि दाढ़ी मूछ नहीं आई और शादी। उसके बाद में मैंने इनको कहा, इनको मैंने बहुत सारी बातें तो कह दी थी, मतलब मैं बहुत बोल दी थी, बहुत मुँहफट थी मैं ना, तो अभी भी हो तो दिखता है तो बताएं मैंने इनको लास्ट में क्या कहा, देखो जो भी बात हुई मम्मी पापा को जाके नहीं कहोगी कि मैंने आपको क्या कहा ओके नहीं कहूंगा मैं, कुछ नहीं कहूंगा। और उसके बाद में गेट खोल के ऐसे भागे, पूरे पसीना पसीना हो गया था। और फिर भी इन्होंने ऐसे, मतलब अभी मेरे से खुल के बात नहीं करते थे, मतलब मेरी सगाई को भी 2 साल हो गए थे तो भी बहुत कम बात होती थी, बहुत कम मिलना होता था, धीरे धीरे शर्म भी नहीं खुली थी इनकी, जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत कम ही बोलते थे आपको। मतलब जब मेरी आपसे बात हुई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं आपके साथ में जब ऐसे बात कर ली थी कि हाँ बताओ क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो हम आपको क्या सोच, आपने क्या सोचा था कि हाँ लड़की कैसी है, आपके मन में कुछ तो आई होगी कि घर वाले फाइनल करने आ गए थे। बात आई थी ये छोरी गणित बोले यार नहीं तो नहीं पढ़ना है। जब आई हूँ मन में इधर, अब यार मम्मी ने पापा ने सबने फाइनल कर दिया है तो अब होगा जो होगा वो देखा जाएगा, देखा जाएगा, कूद गए तो फिर अब लड़ाई से क्या डरना। तो आपको ऐसा ही लगा था कि लड़की बहुत बोलती है इसलिए इससे शादी नहीं करनी? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर बस कुछ नहीं हुआ। हाँ होना था जो हो गया फिर 2 साल कैसे निकले सगाई के बाद, आपने जैसा सोचा था वैसी निकली या अच्छी निकली खराब निकली? मस्त निकली पागल, ऐसी सगाई तो किसी की नहीं रही होगी, 2 साल तक सगाई रही हमारी। मैंने सगाई की बात नहीं करी, साल के बाद हमारी शादी हुई मेरी बात करियो कि मैं आपको कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी 2 साल तक 2 साल तक अच्छी नहीं लगी। अच्छा उसके बाद शादी होने के बाद में? शादी होने के बाद में कहीं थोड़ी बहुत अच्छी लगी और अब? अभी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है पागल हो रहा। अरे यार इनसे बात क्या करो, ये बहुत ज्यादा शर्माते हैं, कुछ बताते भी नहीं है। तो सगाई हो गई थी, उसके बाद में थोड़ा 1-2 बार हम मिले थे और बातें वगैरह होती थी फोन पे, और भरत जी को मैं काफी पसंद भी आ गई थी, तो भरत जी ने इनके फोन में मेरा वॉलपेपर लगाया था मेरे फोटो का। ऐसा भी किया था मैंने? अभी कसम खिलाओ किया था। फिर आपके पापा जी ने बोला थी कि ओके ये जो आपने फिर मोबाइल उल्टा रख दिया था दुकान पे, आपने उनको खुद बताई थी ये बात कि इन्होंने है ना सगाई के पहले की बातें शायद की आए थे, तब इन्होंने वॉलपेपर लगा रखा था मेरे। क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, मतलब आपको क्या बोल रहे हैं? मैं आपको कह रही हूँ कि आपके साथ साथ मेरे साथ 7+2 7 साल शादी के, 2 साल सगाई के, आपके कैसे निकले मेरे साथ में, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। बहुत अच्छे निकले। मेरी क्या खासियत है?
तुम्हारी बहुत बड़ी खासियत तो एक ही से क्या तुम जानती हो? बताओ ना। छेड़ती बहुत खतरनाक हो, ठीक है ना? तो ये खासियत है, बहुत रेयर खासियत है तुम्हारी ये, है ना। ब्लॉग को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं और बहुत ही ज्यादा घटिया तरीके से ये ब्लॉग में रिकॉर्ड करवा रहे हैं मेरे से, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा हाइपर कर रहे हैं। मैं इनको इतना सीरियस होके बोल रही हूँ कि भाई बता दो बता दो बता दो, पर अभी देखो थोड़ी देर में मैं वापिस आती हूँ। ब्लॉग ये बिल्कुल सही सही बोलेंगे, रुकना। ये देखो ये ऐसे निकले हैं हमारे 8-9 साल, मतलब ये बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है कैमरे को लेके, कि अगर कुछ भी शेयर करना होता है तो ये शेयर नहीं करते हैं कि तुम अकेली बोलो कैमरे में, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और जाके लेट गए, ऐसा भी नहीं कि मैं कैमरे में भी बैठ जाऊँ साथ में, नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है, चाहे वीडियोज बने चाहे नहीं बने, चाहे अकाउंट ग्रो करे चाहे नहीं करे। ही इज़ हैप्पी विथ हीज बिजनेस लाइफ, सो ही इज़ बिजी इन दैट। और टीवी वगैरह देखने में काफ़ी अच्छे से बिजी रहते हैं, तो इनको वैसे भी मेरे लिए भी टाइम मिलता नहीं है, है ना भरत जी? नो आंसर। तो ऐसी चलती है, नॉक झोंक चलती रहती है। पर अब खासियत तो ये इनके मुंह से बताएंगे नहीं, और मैं आपको क्या बताऊँ, ब्लॉग बड़ा बोरिंग सा जा रहा है, तो देखती हूँ मैं इनको उठा के ये कुछ बोलते हैं तो ठीक है, मैंने 5 दिन तक इनसे बात करने की छुट्टी। पूछो क्या पूछना है आपको हमसे? अच्छा, आपको मेरा नेचर कैसा लगता है? मतलब इतने साल हो गए, क्या सोचते हो आप मेरे बारे में, घर परिवार को लेके, हर चीज को लेके, मतलब कि मैं कैसी हूँ? मेरे सोचने की बात करो तो मैं तो बहुत बुरा सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है? बाकी तुम्हारी हरकतें बहुत ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाती हो, काम सब कर लेती हो, व्यवस्थित काम है तुम्हारा, बस एक तो रूम में कचरा बहुत रखती हो मेन, और सेकंड तुम मेरे ऊपर बहुत चिल्लाती हो, ये वो छोड़ दो तुम, अच्छा नहीं है ये आदत तुम्हारी बदल नहीं चाहिए। मेरी तारीफ कौन करेगा? बाकी तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कह रहे हो सुंदर हो तुम, बोलती बड़ा प्यारा हो, वो बात भी मानता हूँ, ठीक है, और थोड़ा बहुत कम उठाना पड़ता है, कुछ अच्छी चीज लेके आते हैं गाड़ी, जैसे बड़ी गाड़ी लेके आओ, बुलेट लेके आओ, तो वो पेट्रोल ज्यादा ही पीती है, थोड़ा बहुत तो खर्चा मैं उसको। अच्छा, आप मेरे पे कितना खर्चा कर देते तो आप ये बात बोल रहे हो? तुम्हारा भी हो जाता अभी 2000 के तो अभी दिए थे क्या? तो अब पूरा दिन काम करके आओ, हमको 2 मिनट आप चैन से टीवी देख लो या परिवार वालों के साथ में तो उधर बैठ जाओ बाहर, तो भाई मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो क्या हूँ ही नहीं, मैं तो क्या हूँ तो नहीं है। अब देखो ऐसे बात करने का तो तुम्हारे जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, हम लोग जैसे कि थोड़ा रिस्पेक्ट भी करते हैं बड़ों को, तो जैसे सब बैठे होते तो वहाँ पे जाके बैठना अच्छा नहीं लगता है, ससुर जी बैठे होते, सब बैठे होते वहाँ कुछ बोलना, और ज़्यादा देर मेरे से सिटिंग होती नहीं है, और ये लोग देखते हैं टीवी और सब सोफे पे बैठे होते, तो मैं अलग से ज़मीन पे बैठूंगी तो मेरे को प्रॉब्लम हो रहती है कि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो अब है ना, तो ये वो बात मैं मानता हूँ, वो बात मैं मानता हूँ, ठीक है। 8-7 बजे दुकान से आ जाते हैं। अपन भी है उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे थे, रूम में क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ। मैं आया उस टाइम वो देख रहे थे साउथ की एक वो पागलो जैसी मूवी, कौन सी थी वो, जीरो? नहीं नहीं, ऐसी लड़ाई वाली बात नहीं बतानी, नॉर्मल सी बात बतानी है कि ये लोग ये ऐसे समझते हैं कि बस हाँ ये घर में है और ठीक है, पर ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को टाइम दे दूं कि भाई अकेली है, सुबह से लेके शाम तक बात नहीं होती है, ये सुबह 6 बजे उठ के ये भी चले जाते हैं रूम से, मैं खुद यहाँ पे मतलब शक्ल देखने का भी काम नहीं है, तो रात को डायरेक्ट 11 बजे इनकी शक्ल देखने को मिलती है ये रूम में, और आके सो जाते हैं। इससे पहले ये घर में 7 बजे से ये घर में रहते हैं, पर उसके बाद में चलो 1 घंटा टीवी देख लिया, 9 बजे तो एटलीस्ट रूम में आ सकते हैं, बट नहीं, इनको टीवी देखना होता है, तो ये तो इनकी गलती है ना भाई, सीधी सी बात है। ओके, आई एक्सेप्ट माई गलती। पर एक खासियत तो क्या ही नजर नहीं आती मेरे को आजकल तो इनके अंदर, पर ठीक है, ये लड़ते कम है, पर ऐसा भी नहीं है पहले नहीं लड़ते थे, अब तो लड़ते हैं, बराबर लड़ते हैं, बिल्कुल बराबर युद्ध में एकदम विजयी होना चाहते हैं। तो पहले इनका नेचर काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आता था कि ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट तो क्या ही करते हैं, पर ठीक है, हाँ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ नहीं सपोर्ट नहीं करते, और क्या है, नहीं करता मैं, कहाँ करते हो, अभी ब्लॉग बनाए 10 बार लेट गए, फिर उठे फिर बनाए, और ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इनको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, इनमें सहन शक्ति तो बहुत अच्छी है, पर मुझे लेके बिल्कुल नहीं सहन कर सकती है कोई भी चीज़, अगर मैंने कुछ कह दिया तो नहीं बस नहीं, मतलब अगर मैं बोलूँगी इधर तो ये बोलेंगे उधर। पहले ये मेरे को बोलने का बहुत ध्यान रखते थे कि हाँ
मेरी वाइफ है इसको बुरा लग जाएगा, पर अब ऐसा नहीं है। बुरा लगे तो अभी लगे, अभी लगो, और कल लगता हो तो आज लगो। सत्य सत्य अटल सत्य रहना चाहिए, झूठ पे नहीं। पहले मैं झूठ बोल जाता था, अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य वक्ता हूँ, सत्य बोलता हूँ। चलती रहती है, पर चाहे गर्दन कट जाए पर सत्य बोलना, सही बोलना। पर एक चीज और है, हमारे दोनों की खासियत, हमने आज तक कभी भी किसी के सामने लड़ाई नहीं करी, ना इन्होंने मुझे किसी के सामने कुछ गलत बोला, कभी नीचे दिखाया नहीं, ना कभी मैंने इनको दिखाया। तो वी रिस्पेक्ट ईच अदर, सबके सामने हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि कोई किसी को गलत ना बोले, ना मैं तो ना ये। और ये चीज़ हम दोनों को बर्दाश्त नहीं है, ना ये मुझे कुछ बोल देंगे मुझे बर्दाश्त होगा, ना मैं इनको। तो हम दोनों बहुत एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है, और इस वजह से हमारी कभी लड़ाई होती नहीं है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमारे बीच में लड़ाई होने का काम ही नहीं है। 7 साल हो गए शादी को, पर बहुत 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 रेयर केस में लड़ाई हुई होगी किसी भी बात पे, या फिर हुई नहीं है, ना के बराबर लड़ाई हुई। कभी याद आता है कि लड़ाई हुई होगी? हाँ, वो तो हर महीने की आदत ही है। अरे पर हर महीने घमासान होता है बेटा, पर हो जाता है, वो छोटी मोटी नोकझोंक होती है। तो बहुत कम चांस में हुई, एक आध बार या दो बार हुई शायद। बड़ी भी कहाँ हुई है, हाँ हुई है, हुई है। ओ भरत जी, मेरे को चित्तौड़ी लेके गए थे तो बाप रे क्या लड़ाई हुई थी हम दोनों की। बस हाँ, वो याद है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं, पर ठीक है। हाँ, मैंने जिंदगी में पहली बार शादी के अभी कितना 6 साल बाद में इनसे 10 दिन तक बात नहीं करी थी। शादी के बाद में 5 साल बाद पहली बार जब लड़ाई हुई थी, तो मैंने इनसे 10 दिन तक बात नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। और उसके बाद में है ना, ये बात मैंने पूरे घर में सर्कुलेट करी कि इन्होंने मेरे को ऐसा बोला। तो उसके बाद में अब ये बोलने का बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन इन्होंने मुझे कभी किसी के सामने तू भी नहीं बोला है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर हस्बैंड को ऐसे अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट करें। अदर्स जो बाहर के लोग हैं वो भी रिस्पेक्ट दें। तो ये हस्बैंड के हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छे से एज ए हस्बैंड रोल प्ले किया, तो आई एम प्राउड ऑफ हिम। सो ये थी हमारी स्टोरी, और इनको तो कोई प्राउड राउड है नहीं, बट ठीक है, चलेगा मेरे को। और फैमिली हमारी वैसे भी काफ़ी अच्छी है, तो हम साथ साथ है टाइप की हमारी फैमिली है, आराम से पूरा दिन निकल जाता है। तो ये बात करें ना करें चलता है, सासू जी हैं उनसे बात कर लेते हैं, देवरानी हैं, दादी सासू जी हैं, तो दिन कैसे निकलता है बिल्कुल पता नहीं चलता। सो ये थी हमारी पूरी स्टोरी, होप सो आप लोगों को पसंद आई हो। नेक्स्ट स्टोरी में मैं ये कोशिश करूँगी कि भरत जी ज़्यादा बोलें, पर भरत जी अभी से ऐसे ही कर रहेंगे, क्योंकि अभी उनको आ रही है नींद और हमने काफ़ी लंबा ब्लॉग खींच लिया है। सो थैंक यू, गुड नाइट। वैसे हमारी गुड नाइट हो रही है, आप ब्लॉग देखोगे तब तक सुबह मैं अपलोड करूँगी। तो ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। आप लोगों को अकाउंट शेयर करना है और सपोर्ट करना है, और इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा कोमल सोनी 781 के, मेरा है भरत सोनी 781 के OMAWLSONI781। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी, और हम मिलते हैं थोड़े दिन में वापस से, या फिर नेक्स्ट डे वापस मिलते हैं। अगर मुझे कोई कंटेंट मिला तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो बाय। I'm not afraid of the dark.